नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अजीबोगरीब प्रस्ताव की है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन तालिबान को $6 मिलियन देने का मन बना रहा है। सवाल उठता है कि तालिबान को $6 मिलियन देने की कवायद क्यों हो रही है? $6 मिलियन देने में संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या फायदा होगा, और ये तब जब दुनिया अफगानिस्तान सरकार का राजनीतिक और आर्थिक बॉयकॉट कर रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ तालिबान को इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुरक्षा के लिए यूएन तालिबान को हफ्ता दे रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ तालिबान के गृह मंत्रालय को अपने कर्मचारियों की हिफाजत के लिए $6 मिलियन देने की योजना बना रहा है। ये रकम तालिबान को अगले साल तक मुहैया कराई जा सकती है, पर इस पे पेच यह है कि अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी पर अमेरिकी सरकार और खुद संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिबंध लगा हुआ है। वो हक्कानी नेटवर्क का बड़ा नेता है और हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका आतंकवादी संगठन मानता है और सिराजुद्दीन हक्कानी खुद एक आतंकवादी मानता है। इस प्रस्ताव के जरिए संयुक्त राष्ट्र संघ के दफ्तरों की सुरक्षा में लगे तालिबान सैनिकों की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी और उन्हें फूड कूपन भी दिए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता फरहान हक ने रॉयटर्स को कहा कि कर्मचारी उनके संगठन की जिम्मेदारी है, लेकिन जानकार कहते हैं कि अफगानिस्तान में मदद की रकम कैसे खर्च हो रही है उस पर नजर रखना नामुमकिन है। अमेरिका ने बीते 20 सालों में खरबों डॉलर अफगानिस्तान के विकास के लिए खर्च किए, लेकिन उसका 30% पैसा लोगों ने अपनी पॉकेट में डाल दिया। साथ ही विकास की रकम तालिबान के पॉकेट में भी पहुंच गई। आज भी सिराजुद्दीन हक्कानी पर $10 मिलियन का इनाम है और वो आतंकवादी अफगानिस्तान का गृह मंत्री है। जी हाँ, सिराजुद्दीन हक्कानी इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी हफ्ते का पैसा दिया जाएगा। अमेरिका का मानना है कि अफगानिस्तान का गृह मंत्री अलकायदा के करीब भी है। हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान में अमेरिका पर हुए बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वहीं अमेरिका का कहना है कि अगर कोई संस्था हक्कानी नेटवर्क से जुड़े संस्थान की मदद करती है तो उस पर अमेरिका प्रतिबंध जरूर लगाएगा। लेकिन तालिबान काबुल में अमेरिका के कारण ही काबिज हो पाया। अमेरिका ने तालिबान के साथ दोहा में डील की और तब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को अंधेरे में रखा, लेकिन तालिबान ने अमेरिका को किए किसी वादे को नहीं अपनाया, नहीं मानी बात। उल्टा हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान के शासन में औपचारिक जगह दी गई। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा कट्टरपंथी लोग तालिबान के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में ISI का दाहिना हाथ है और ऐसे में उनसे सुरक्षा मांगना ही अपने आप पे पेचीदा मामला है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। अफगानिस्तान में इस वक्त लोग भुखमरी के शिकार हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 3,500 कर्मचारी हैं जो दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है। चूंकि विदेशी मदद पर प्रतिबंध लगा है, स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। अधिकतर इलाकों में लोकल गवर्नमेंट नहीं है। यूएन के अधिकारी कहते हैं कि कर्मचारियों की सुरक्षा का मसला संजीदा है और रकम ना खर्च किए जाने पर उन पर हमले भी हो सकते हैं। तालिबान के अलावा अफगानिस्तान में ISIS भी सक्रिय है। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में चोरी चकारी भी बहुत है, क्योंकि वहां पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। यूएन के अधिकारी कह रहे हैं कि $4 मिलियन का इस्तेमाल $90 प्रतिमाह के फूड कूपन इशू करने और तालिबान सैनिकों की तनख्वाह $275 से लगभग $320 बढ़ाए जाने के लिए इस्तेमाल होगी। जानकार कहते हैं कि इससे यूएन के कर्मचारियों पर हमले और अगवा करने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाएंगी। यूएन इसके अलावा $2 मिलियन और खर्च करेगा जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों की आवाजाही में सुरक्षा पर होगा। लेकिन मसला सिराजुद्दीन हक्कानी से जुड़ा है, इसलिए पेच अब भी फंसा है। कुछ जानकार कहते हैं कि ऐसा ना हो कि रकम का छोटा हिस्सा यूएन की सुरक्षा पर खर्च हो और बड़ा हिस्सा हथियार खरीदने में चला जाए। यानी अगर लोगों की मदद करनी है तो मैदान में रहना होगा और सुरक्षा चाहिए होगी तो एक कुख्यात आतंकवादी संगठन को पैसा देना होगा। ऐसा ना करने पर हजारों लोग अफगानिस्तान में भूख से मर जाएंगे। तो सियासत की बात तो बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।